ये जो आदेश जारी किया है कि अब एससी एसटी की जमीन खरीदने के लिए किसी को भी डीएम के परमिशन की अनुमति नहीं लेनी है, तो ये सरकार का दलित विरोधी मानसिकता सामने आ गया। एक तो सरकार ने पहले से भी जमीन नहीं दिया, अब जो जमीनें बची हुई है दलितों की, ये चाहते हैं कि वो जमीन भी छीन करके इनको रोड पर ला दिया जाए, ये मजबूर और भिखारी बन जाए, मजबूर करके हम हमेशा इनके ऊपर राज कर पाएंगे, सरकार की कोशिश है। इसलिए आरक्षण जैसे मुद्दे पर वो बहुत गंभीर इसलिए नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि सामने उनके जीवन का संकट है, और जमीन उनको मिल जाएगा तो उनका जीवन बचेगा, और जीवन जब बच जाएगा तो आरक्षण के लिए भी लड़ेंगे, वो भी हमारे लिए गंभीर मुद्दा है। जमीन न होने की वजह से आम जनता का दर्द ये है कि एक पोटरी घास के बदले में दलित और पिछड़े गरीब घरों की महिलाओं, मजदूर घरों की महिलाओं की इज्जत और आबरू लूटी गई है। ये हम लोगों ने देखा कि रात रात में जमींदारों ने कटिया करने के लिए, रोपनी करने के लिए, सोहनी करने के लिए रात रात में बुलाया है। उनका शोषण होता था गरीब होने के नाते, पहले आवाज नहीं उठ पाती थी, वो तर्क, वो दर्द, वो तकलीफ जो दलित पिछड़ा गरीब समाज है वो गाँव में झेल रहा है। इसलिए जमीन का मुद्दा जब हमने उठाया तो उनको लगा जमीन मिल जाएगा तो हमारा इज्जत बच जाएगा, जमीन मिल जाएगा तो हमारा सम्मान, हमारा स्वाभिमान बच जाएगा। सीएम सिटी हो या पीएम सिटी हो, डर हमें इसलिए नहीं लगता है क्योंकि हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की औलादे हैं। मेरे साथ अंबेडकर जन मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक सर्वन निराला हैं। आप जमीन की लड़ाई को लेकर के, एससी एसटी को जमीन के अधिकार को दिलाने के लिए आप बहुत तेजी से जो है इस आंदोलन कर रहे हैं, आप सीएम सिटी में, आपको डर नहीं लगता है? सीएम सिटी हो या पीएम सिटी हो, डर हमें इसलिए नहीं लगता है क्योंकि हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की औलादे हैं, और हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संघर्षों को जानते हैं। उन परिस्थितियों में जब बाबा साहब संघर्ष कर सकते हैं तो हम उनके अनुयायी हैं, हम अंबेडकरवादी हैं, हम किसी से नहीं डरते हैं क्योंकि हम संवैधानिक बात कर रहे हैं, और आम जनता को जो उसके मूल अधिकार से आज़ादी के 75 साल बीतने के बावजूद भी उसको वंचित किया गया है, तो आम जनता के हक की बात करना कोई डर की बात नहीं है। और सरकार हो या मुख्यमंत्री, वो जनता से बड़ा कोई नहीं होता है, जनता बड़ी होती है। तो जनता अपने मुद्दे पर खड़ी खड़ी हमारे साथ, और जमीन का जो मुद्दा है हम जीतेंगे। आप दो बड़े आंदोलन किए जिसमें बहुत सारे लोग आए थे, तो क्या लगता है कि सरकार आपकी जो मांगे हैं उसे पूरा कर देगी? सरकार को हमारी मांग माननी ही पड़ेगी, और जमीन गरीबों को देना ही पड़ेगा, और इसका आगाज भी हो चुका है। जो हमने 17 दिसंबर को रैली किया गोरखपुर में, 1,00,000 से ज्यादा लोग थे, उसके बाद फिर हमने अभी 17 मार्च को भी आंदोलन किया है, इसके बाद हम आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए 10 अक्टूबर को गोरखपुर में आ रहे हैं, जुट रहे हैं, आम जनता जुटेगी और 5,00,000 से ज्यादा लोग जुटेंगे। ये भारत के अंदर ये बहुत बड़ा आंदोलन होगा जमीन के मुद्दे पर, और 10 अक्टूबर को जब हम आएंगे तो हम तब तक नहीं हटेंगे जब तक गरीबों को जमीन का कागज न मिल जाए, जब तक जमीन का पट्टा उनको न मिल जाए तब तक हम हटेंगे नहीं, 1 एकड़ जमीन सबको दिलाई देंगे। अभी सरकार के द्वारा जो है एक आदेश पर 14 मार्च को एक आदेश जारी हुआ है कि जो अनुसूचित जाति एससी एसटी के जो जमीने हैं आप बिना जिला अधिकारी के परमिशन के आप जमीने ले सकते हैं, तो ये कहीं ना कहीं क्या, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? भाजपा सरकार का हर कदम गरीब विरोधी है, दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है। जब गरीब आगे बढ़ने लगा पढ़ाई लिखाई के माध्यम से, तो इन्होंने शिक्षा के सारे दरवाजे बंद करना शुरू कर दिया। ये बोला नहीं कि हम आपको पढ़ने नहीं देंगे, लेकिन शिक्षा इतना महंगा कर दिया कि गरीब की पहुंच से बाहर हो गया शिक्षा, और गरीब को मजदूर और मजबूर बनने के लिए सरकार ने मजबूर कर दिया। ये जो जमीन का सवाल है, जो अभी इस उत्तर प्रदेश सरकार ने ये जो आदेश जारी किया है कि अब एससी एसटी की जमीन खरीदने के लिए किसी को भी डीएम के परमिशन की अनुमति नहीं लेनी है, तो ये सरकार का दलित विरोधी मानसिकता सामने आ गया, क्योंकि सरकार की नजर है। एक तो सरकार ने पहले से भी जमीन नहीं दिया, अब जो जमीनें बची हुई है दलितों की, ये चाहते हैं कि वो जमीन भी छीन करके इनको रोड पर ला दिया जाए, ये मजबूर और भिखारी बन जाए,
और जब मजबूर रहेंगे तो अब इनको हम थोड़े थोड़े प्रलोभन दे करके या मजबूर करके हम हमेशा इनके ऊपर राज कर पाएंगे, सरकार की कोशिश है। लेकिन ये भी तो माना जाए सरकार की ये भी कोशिश हो सकती है, जो पहले एससी एसटी की जो जमीनें होती थी अगर कोई लेना चाहता था अधिक पैसे में तो बेच नहीं पाता, हो सकता उसके लिए वो फायदा हो, फिर इसलिए वो किया गया। नहीं, सरकार ऐसा नहीं सोच रही है, ये दलितों के फायदे के लिए नहीं सोच रही है। सरकार तो ये सोच रही है कि जितनी जमीनें उनके लोगों के पास थी वो आज जो गरीब दलित है उनकी उनके सामने मजबूरियां बहुत है। लोग बोलते हैं वो जमीन अपना बेच देते हैं, लेकिन आप ये समझिए ना कि मजबूर उनके अपनी बेटी उनके बच्चों को शादी विवाह करना या पढ़ाई लिखाई करना है, कोई बीमार पड़ गया, तो ऐसी परिस्थिति में उनके पास एक तो जमीन नहीं है, जो जमीन होता वो सहारा होता है। तो ये जो सरकार है ये नहीं सोच रही कि उनका उत्थान होगा, ये सरकार ये सोच रही है कि उनकी जमीनें छीन लो, ये हमेशा हमारे दरवाजे पर हमारी गुलामी करने के लिए मजबूर रहेंगे, लाचार रहेंगे, लाचार बनाने की कोशिश उत्तर प्रदेश सरकार की है। आज आप जमीन के मामले को लेकर के आपने उठाया, लेकिन लोग रुचि दिखा रहे हैं, लेकिन आरक्षण को लेकर के लोगों की रुचि नहीं, आखिर क्यों? आरक्षण भी बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है, आरक्षण भी बहुत गंभीर मुद्दा है और संवैधानिक मुद्दा है। संविधान में हमें वो आरक्षण, आरक्षण का मतलब सिर्फ नौकरी नहीं होता है, आरक्षण का मतलब भागीदारी। तो भागीदारी हमको हर क्षेत्र में मिलना चाहिए, जो नहीं मिला अभी भी आप देखते हैं कि लोकसभा में आरक्षण मिला तो राज्यसभा में नहीं मिला, विधानसभा में आरक्षण मिला तो विधान परिषद में नहीं मिला, अभी भी न्यायपालिका का क्षेत्र आप ले लीजिए, तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें आरक्षण नहीं मिला। आरक्षण भी दलित समाज पिछड़े समाज के लिए एक गंभीर मुद्दा है, गंभीर सवाल है, लोगों का रुचि है, लेकिन उसके पहले जो आम जनता है जो बल्क में वोटर है वो गाँव में रहती है और अभी भी बहुत सारे लोग अशिक्षित है, उनको शिक्षा लेने का मौका ही नहीं दिया गया, तो उनके सामने जीवन बचाने का मसला है इंपॉर्टेंट, क्योंकि जमीन जीवन से जुड़ा हुआ सवाल है। जमीन हो गया तो पहले आदमी जीने का सहारा मिलेगा, तो जीने का सहारा ही उनके सामने नहीं है, इसलिए आरक्षण जैसे मुद्दे पर वो बहुत गंभीर इसलिए नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि सामने उनके जीवन का संकट है, और जमीन उनको मिल जाएगा तो उनका जीवन बचेगा, और जीवन जब बच जाएगा तो आरक्षण के लिए भी लड़ेंगे, वो भी हमारे लिए गंभीर मुद्दा है। अभी बाबा साहब एक शब्द कहा करते थे कि मजदूर होना अभिशाप है, लेकिन आप जो समाज है एससी एसटी वो पढ़ना भी तो नहीं चाहता, वो मजदूरी की तरफ ही तो भाग रहा है, तो फिर क्या किया जाए उसके लिए? ये पूर्णतः सरकार का ऐसा सोचना ये गलत है कि एससी एसटी के लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं। एससी एसटी के लोग जो छात्र हैं वो पढ़ना चाहते हैं और बहुत प्रतिभाशाली हैं, लेकिन आपने उन प्रतिभाओं को मौका ही नहीं दिया। भाई स्कूल में आप जाने ही नहीं दे रहे, क्योंकि स्कूल की आपने पढ़ाई फीस इतना ज्यादा महंगा कर दिया है। सरकार स्कूलों में फीस कहाँ मांगे, जैसे अभी आपके प्राइमरी में ही बच्चे जो है नहीं पहुंच पाते हैं, तो फिर कैसे कहा जाए? तो आप कह रहे हैं आपको लग रहा है कि प्राइमरी स्कूल में फ्री में पढ़ाई होती है, लेकिन आप यह भी तो देखिए उसी प्राइमरी स्कूल में पहले स्कॉलरशिप मिलती थी, वजीफा मिलती थी, अभी वजीफा सरकार ने बंद कर दिया है, तो वो जो फ्री जो बात आप कर रहे हैं वहां भी बहुत सारे कंडीशन लगाए जा रहे हैं। दूसरे वो भी परिमल ग्रुप को बेच दिए गए प्राइमरी स्कूल आने वाले दिनों में, अब प्राइमरी एजुकेशन में तो थोड़ा सपोर्ट मिल गया, मान लीजिए वजीफा खत्म कर दिया क्योंकि बच्चे कपड़ा भी नहीं सिला पाएंगे, और प्राइमरी एजुकेशन की हालत यह है कि पिछले साल प्राइमरी स्कूलों में किताबें ही नहीं गई, पिछले साल का सत्र बीत चुका और किताब नहीं गई, बहुत बड़ी बात है, सरकार की साजिश है, किताब ही नहीं गया स्कूल में बच्चे जा रहे, पढ़ाई किस बात की होगी, किताब ही नहीं गया ये बहुत बड़ी बात है। और सरकार के पास मंदिर बनाने के लिए लाखों करोड़ रुपया पैसा है, बजट है उनके पास, मंदिर से रोजगार मिल जाएगा क्या, मंदिर से लोगों का जीवन चल जाएगा क्या, मंदिर में तो मंदिर के बाहर तो भिखारियों की संख्या बढ़ाई जाती है, और जहां एजुकेशन जहां जो प्राइमरी स्कूल जहां गरीबों के बच्चे जाते हैं, आपको ये बात समझना होगा कि एक साल पिछले सत्र का किताब अभी तक नहीं आई, तो कैसे पढ़ेंगे गरीबों के बच्चे? तो सरकार बोलती कुछ और करती कुछ और है, बोलने में तो कह रही हम आपके बच्चे को पढ़ाएंगे लेकिन पढ़ने नहीं दे रहे, यानी ये समझा जाए कि एजुकेशन प्रोग्राम को कमजोर किया जा रहा है आपके घर साहब जी, तो लेकिन उनको रोका भी तो कोई नहीं है, उनको पढ़ना चाहिए ना, वो बिल्कुल पढ़ने के लिए तैयार है, लेकिन संसाधन जहां मिलता था जहां मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है, ये सब परिस्थितियां अब बन गई हैं। और आप हायर एजुकेशन पे जब जाएंगे, आप इंजीनियरिंग कॉलेजों में जाएंगे, यूनिवर्सिटीज में जाएंगे, छात्रवृत्ति नहीं आती है, जो शुल्क प्रतिपूर्ति है
जो कॉलेजों में जो जीरो फीस पे एडमिशन होता था वो सारी सुविधाएं खत्म हो गई। तो ये कहां आपको लग रहा है कि एजुकेशन के रास्ते दिन प्रतिदिन ब्लॉक किए जा रहे हैं, अवसर छीने जा रहे हैं, अवसर दिए नहीं जा रहे हैं आपको? बाबा साहब जो है सभी को वोट का अधिकार दिया गया, क्या लगता है कि उस वोट के आधार पे जो एससी एसटी की जो जमीनों की मांग है उस दोनों की लड़ाई को आप लड़कर क्या करेंगे? बिल्कुल, ये जो वोट का अधिकार बाबा साहब ने दिया है बहुत बड़ी ताकत दिया है, और बाबा साहब ने इस पे बहुत सोचा था, और बाबा साहब की एक एक बात सत्य होती है, और बाबा साहब ने वो जो वोट का अधिकार आम जनता को दिया है वो दो धारी तलवार है, दोनों तरफ से काटती है। सिर्फ जनता को हमें इसमें जागरूक करना है, जनता जब जागरूक हो जाएगी, जनता लामबंद हो जाएगी, तो ये जो जमीन का आंदोलन आप देख रहे हैं, लाखों लोग सड़क पर उतर रहे हैं, ये जो लाखों लोग सड़क पर उतर रहे हैं, हमने जनता को लामबंद किया है, क्योंकि मुझे पता है कि जब जनता लामबंद हो जाएगी, जनता जब जागरूक हो जाएगी और जनता जब अपने मुद्दे पर एकजुट हो जाएगी, तब जाके जब जनता सड़क पर उतरेगी तभी सरकार को लगेगा कि ये जनता हमसे नाराज हो गई, हमको वोट नहीं देगी। जब वोट नहीं देने का डर उनको सताएगा तभी वो हमको हमारा अधिकार देंगे। इसलिए हमने जनता को लामबंद किया, उनको जागरूक किया है, और जनता को लामबंद करके ये हम लड़ाई जीत जाएंगे और जमीन मिलेगी सबको एक एक एकड़। जनता सपोर्ट कर रही है हमारा, क्योंकि ये जो मुद्दा है जमीन का मुद्दा है वो गाँव में रहने वाला जो सबसे गरीब असहाय परिवार है जो 90% है, ये जो जमीन का मुद्दा है वो उनके दर्द का मुद्दा है। वो हर दिन जमीन न होने का दंश तकलीफ वो हर दिन झेलते हैं। जमीन न होने की वजह से हर दिन जमींदार का गाली सुनते हैं, जमीन न होने की वजह से एक लोटा पानी अगर गिर जाता है तो उस पर भी उनको गाली सुनना पड़ता है। जमीन न होने की वजह से वो किस रास्ते जाएंगे, गांव में जिनके पास जमीनें हैं वो उनको हर दिन अपमानित करते हैं। जमीन न होने की वजह से आम जनता का दर्द ये है कि एक पोटरी घास के बदले में लोगों दलित और पिछड़े गरीब घरों की महिलाओं मजदूर घरों की महिलाओं की इज्जत और आबरू लूटी गई है। ये हम लोगों ने देखा कि रात रात में जमींदारों ने कटिया करने के लिए, रोपनी करने के लिए, सोहनी करने के लिए रात रात में बुलाया है, और रात में बुला करके जमींदारों के लड़कों ने जो मनबल लड़के हुआ करते थे, गरीबी होने के नाते उनका शोषण होता था, गरीबी होने के नाते पहले आवाज नहीं उठ पाती थी, वो दर्द वो तकलीफ जो दलित पिछड़ा गरीब समाज है वो गांव में झेल रहा है। इसलिए जमीन का मुद्दा जब हमने उठाया तो उनको लगा जमीन मिल जाएगा तो हमारा इज्जत बच जाएगा, जमीन मिल जाएगा तो हमारा सम्मान हमारा स्वाभिमान बच जाएगा, क्योंकि जैसे ही वो जमीन न होने की वजह से दूसरे के दरवाजे पर मजदूरी करने जाता है उसका सारा स्वाभिमान खत्म हो जाता है, उसका सारा मान सम्मान खत्म हो जाता है। मजदूर के रूप में जैसे किसी के दरवाजे पर जाता है तो लोग उसको गाली देकर के उसको अपमानित करते हैं। इसलिए जमीन जीवन और सम्मान से जुड़ा हुआ मसला है, इसलिए मैंने जब जनता के बीच में ये बात कही तो जनता हमारे साथ आ गई, और जनता आप देख रहे हैं कि लाखों के रूप की संख्या में सड़कों पर उतर जा रहे हैं लोग। ये दर्द ही तो है, ये तकलीफ ही तो है, जमीन नहीं मिला, अब जमीन चाहते हैं लोग, अपना उनका हिस्सा है ये। अम्बेडकर जन मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सीमा गौतम, आप महिलाओं को लेकर जब आप जाती हैं क्षेत्र में तो उनको जागरूक करते हैं, तो महिलाएं आपके साथ जुड़ती हैं, किस तरह से आप उनको मोटिवेट करते हैं कि जमीनी लड़ाई में वो आपके साथ हैं? पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जो जमीन का मुद्दा है अभी अम्बेडकर जन मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आपको बता रहे थे, देखिए जमीन अगर उनको हमने उनकी अधिकार के बारे में और जमीन से क्या उनको लाभ हो सकता है वो हमने बताया है, और हमारी आगे भी बताने की प्रक्रिया है कि एक एकड़ जमीन जो हम दिलाने की मांग कर रहे हैं, अगर एक एकड़ जमीन होगा तो सबसे पहले भूखमरी खत्म हो जाएगी उस समाज का, उस परिवार को। आज जो 5 किलो राशन पे उसकी जिंदगी टिका दी गई है, अब सुन रहे हैं कि इस महीने में बंद होने वाला है, तो एक एकड़ जमीन होगा तो कम से कम नमक रोटी खाएगा तो भर पेट खाएगा वो परिवार। तो एक एकड़ जमीन होगा तो सबसे पहले भुखमरी खत्म हो जाएगी, एक एकड़ जमीन होगा तो बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, उसको अस्थाई रोजगार मिल जाएगा। एक एकड़ जमीन होगा तो अभी जैसे बता रहे थे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कि हमारे घर की बहन बेटियां किसी के घरों में खेतों में काम नहीं करेंगी तो उनके साथ शोषण नहीं होगा। एक एकड़ जमीन होगा तो हमारे लोगों का मान सम्मान सब बना रहेगा। और मैं आपको अभी एक गोरखपुर जिले की एक घटना बता रही हूँ कि अभी श्रीवास्तव परिवार मात्र 35,000 रुपया
स्कूल का फीस न भर पाने के कारण आपको पता होगा कि अभी 2 महीना का खबर है कि वो अपने दोनों बेटियों को जहर खिला दिए और खुद खा लिए। तो 1 एकड़ जमीन होती तो कोई भी बाप अपने बेटी को मारेगा नहीं और खुद जहर नहीं खाएगा। 1 एकड़ जमीन होगा तो हमारे बच्चों के भविष्य मरेगा। ये बात हम गांव के महिलाओं को जहां बताते हैं, समझाते हैं, तो अपने अधिकार के लिए वो हमारे साथ जुड़ रही हैं। जनता से हमने यही सहयोग मांगा है, हम यही सहयोग चाहते हैं कि ये आपके मान सम्मान की लड़ाई है, ये आपके हक और अधिकार की लड़ाई है। जो पिछले आजादी के 75 साल बीत जाने के बावजूद भी पिछले 75 सालों में आपको नहीं दिया गया है। वोट के मामले में तो आपको समानता का अधिकार मिल गया, लेकिन जमीन के मामले में असमानता कायम है भारत के अंदर। यह असमानता खत्म करना होगा। जमीन सबको 1 एकड़ मिलना चाहिए। आज जब बाबा साहब का संविधान लागू हो गया तो राजा रजवाड़ा क्यों, किसी के पास 1000 एकड़ जमीन, किसी के पास 2000 एकड़ जमीन, किसी राजा रजवाड़े के पास 500 एकड़ जमीन, और आज भी दलित पिछड़ा जो गरीब समाज है वो 1 डिसमिल जमीन के लिए तरस रहा है। इसलिए मैं चाहूंगा, मैं सबसे अपील करता हूँ, आग्रह करता हूँ, जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता है, राजनीतिक कार्यकर्ता है, जो युवा है, नौजवान है, जो हमारी माताएं बहने हैं, जो आम पब्लिक है, हम सबसे आग्रह करते हैं कि 10 अक्टूबर को आप बड़ी संख्या में आइए गोरखपुर कमिश्नर कार्यालय में। हम डेरा डालो घेरा डालो आंदोलन करेंगे और तब तक नहीं हटेंगे जब तक जमीन का कागज, 1-1 एकड़ जमीन का कागज आम जनता को मिल न जाए, तब तक हम हटेंगे नहीं। ये लड़ाई है बार बार की। राष्ट्रीय संयोजक सरों को नीरज जी और सीमा गौतम जी मेरे साथ बातचीत कर, प्रतिक्रिया कैसी लगी जरूर बताएगा। बहुत बहुत साधुवाद।